हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा दसवीं के लिए भाषा परिचय, व्याकरण परिचय और शब्द परिचय। भाषा परिचय। भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अर्थात वह साधन जिसके द्वारा हमारे हृदयगत भावों की प्रस्तुति होती है। वाणी वस्तुतः ईश्वरीय वरदान है जो केवल मनुष्य जाति को प्राप्त है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। मौखिक रूप में हम ध्वनियों को उच्चारित कर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। लिखित रूप में लिपि चिन्हों के माध्यम से मौखिक रूप को सुरक्षित रखा जाता है। नोट, यहाँ उल्लेखनीय है कि भाषा का सांकेतिक रूप मानक नहीं होता। लिपि। लिखाई के चिन्हों को लिपि कहा जाता है, यथा देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, फारसी इत्यादि। लिपि विकास यात्रा। भारतीय भाषाओं की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से विकसित हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। इसका प्राचीन रूप 500 ईसा पूर्व का है। ब्राह्मी लिपि के दो रूप, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं सृजित हुई व जिसे द्राविड़ भाषा परिवार भी कहते हैं। लिपि विकास। उत्तर ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की सृजना हुई और शारदा लिपि से कश्मीरी, गुरमुखी, लहंदा व टाकरी आदि भाषाओं का विकास हुआ है। कालांतर में नागरी की दो शाखाएं विकसित हुई, एक पश्चिमी शाखा जिसमें देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती और महाजनी आदि भाषाओं का निर्माण हुआ और दूसरी पूर्वी शाखा जिससे बांग्ला, असमी व उड़िया आदि भाषाओं विकसित हुई। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, अर्थात नियमों की ऐसी व्यवस्था जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का परिचय करवाए, व्याकरण कहलाती है। भाषा व्यवस्था। भाषा व्यवस्था के अध्ययन के चार रूप माने जाते हैं, क वर्ण व्यवस्था, ख शब्द व्यवस्था, ग पद व्यवस्था, घ वाक्य व्यवस्था। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भाषा व्यवस्था के अध्ययन के मुख्यतः चार रूप माने जाते हैं, क वर्ण व्यवस्था, ख शब्द व्यवस्था, ग पद व्यवस्था और घ वाक्य व्यवस्था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे इसके पहले रूप वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण प्रकरण। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार की ध्वनियां शामिल हैं। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या क्रमशः स्वर 11 और व्यंजन 33, अर्थात इनकी कुल संख्या 44 है। मानक स्वर। अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ, इनकी कुल संख्या 11 है। इसके अलावा अनुस्वार जिसे बिंदु कहा जाता है, अनुनासिक जिसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं तथा विसर्ग, ये ध्वनियां भी होती हैं। लेकिन यह ध्यातव्य रहे कि उपरोक्त तीनों ध्वनियां स्वर नहीं हैं, बल्कि अयोगवा कहलाती हैं। स्वर।
स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के मुख्यतः तीन भेद हैं, हरिस्व स्वर जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर जिन्हें संयुक्त अथवा संधि स्वर कहा जाता है और प्लुत स्वर। हरिस्व स्वर अथवा मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में एक इकाई समय लगता है, जैसे कि अ, इ, उ, री। ये चार स्वर मूल स्वर अथवा हरिस्व स्वर कहलाते हैं। इसके पश्चात है दीर्घ स्वर जिन्हें संयुक्त अथवा संधि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो हरिस्व से दुगने समय में होता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिसमें है आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में हरिस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों के भेद उपभेद किए गए हैं, जिसमें है अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है। ये चार स्वर हैं इ, ई, ए, ऐ। ये चार स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं। उसके पश्चात है मध्यस्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, जिसमें एक स्वर शामिल है अ। इसके बाद आता है पश्च स्वर, जिसके उच्चारण में जीभ का पश्च अर्थात पिछला भाग प्रयोग होता है, जिसमें शामिल हैं आ, उ, ऊ, ओ और औ। ये पांच स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। वर्ण प्रकरण में अगला अंश है अनुस्वार व अनुनासिक में भेद अथवा अंतर, जिससे जुड़े हुए प्रश्न आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुस्वार अर्थात बिंदु स्वर के बाद में आने वाला व्यंजन है। अनु का अर्थ है पीछे। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के रूप में किया जाता है, जबकि अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु स्वर रूप है। अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु हरिस्व रूप है और अनुस्वार बिंदु यह दीर्घ रूप है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार और तद्भव व देश शब्दावली में अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, यथा चंद्र में बिंदु का प्रयोग हुआ है, यह तत्सम शब्द है। चांद यह तद्भव शब्द है और इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। शब्द परिभाषा। सार्थक ध्वनि समूह अथवा भाषा की सार्थक लघुतम इकाई को शब्द कहा जाता है। इसके उपरांत हम चर्चा करेंगे शब्द भेद के विभिन्न आधार। सबसे पहले है उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा प्रयोग के आधार पर। और पांचवा व्याकरणिक कोटि के आधार पर। तो चलिए अब बात करते हैं उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। इस आधार पर शब्दों के पांच भेद हैं। सर्वप्रथम है तत्सम, जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया है, अर्थात बिना उनका रूप बदले वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, यथा अग्नि, दुग्ध, अक्षीर, चंद्र इत्यादि। इसी प्रकार दूसरा भेद है तद्भव अर्थात तत् जमा भव, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से अपना रूप बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, अक्षीर से खीर, चंद्र से चांद इत्यादि। तीसरा भेद है देशज, देश जमा ज, ज अर्थात जन्म लेना, जिन शब्दों को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं से लिया गया है,
जिनका जन्म क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं से हुआ है उस शब्दावली को देशज शब्दावली कहा जाता है, यथा गाड़ी, लोटा, पगड़ी, खाट इत्यादि। चौथा भेद है विदेशज। जिस शब्दावली को विभिन्न विदेशी भाषाओं से ग्रहण किया गया है, जैसे स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, काजू चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, लेकिन आज ये हिंदी शब्दावली में बिल्कुल सामान्य ढंग से प्रयोग किया जाता है, ये विदेशी शब्दावली है। उसके पश्चात है संकर शब्द। जो शब्द दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर बने हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं, यथा रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का, गाड़ी शब्द देश शब्द है, अतः रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द कहलाता है। शब्द भेद का दूसरा आधार है व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर। इस आधार पर शब्दों के मुख्यतः दो भेद हैं और कुल तीन भेद स्वीकार किए जाते हैं। सबसे पहले है मूल या रूढ़ शब्द। जो शब्द केवल एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, यथा कमल, इसका केवल एक ही अर्थ है, अतः यह शब्द मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहलाता है। दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। इसके आगे दो भेद हैं, यौगिक और योगरूढ़। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो शब्दों अथवा उपसर्ग अथवा प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं, यथा विद्यालय, सुगम, आगमन इत्यादि। दूसरा है योगरूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रयोग होते हों, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है, यथा नीलकंठ। ये दो शब्दों के योग से बना है, नील जमा कंठ, जिसका अर्थ है नीला है कंठ जिसका, और ये शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दशानन, यह शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है, दश जमा आनन, अर्थात दस हैं आनन जिसके, यह शब्द किसके लिए योगरूढ़ हुआ है, रावण शब्द के लिए, अतः यह योगरूढ़ शब्द है। इसके पश्चात है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं, सामान्य शब्दावली, तकनीकी शब्दावली तथा अर्ध तकनीकी शब्दावली। सामान्य शब्दावली सामान्य बोलचाल की हिंदी भाषा की शब्दावली सामान्य शब्दावली कहलाती है। दूसरा है तकनीकी शब्दावली। विज्ञान, तकनीक अथवा वाणिज्य आदि अन्यत्र विषयों के अध्ययन अध्यापन के लिए जिस शब्दावली विशेष का प्रयोग किया जाता है उसे तकनीकी शब्दावली कहते हैं, यथा बजट, ऑक्सीजन, कंप्यूटर इत्यादि। तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्दावली। सामान्य व तकनीकी शब्दावली के मेल से बनी शब्दावली अर्ध तकनीकी शब्दावली कहलाती है, यथा प्रयोगशाला। प्रयोगशाला शब्द में प्रयोग तकनीकी शब्दावली का है और शाला सामान्य शब्दावली का है, अतः प्रयोगशाला शब्द अर्ध तकनीकी शब्दावली का शब्द कहलाएगा। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद हैं, पर्यायवाची, यथा सूर्य को दिनकर, भानु, रवि, भास्कर इत्यादि भी कहा जाता है। दूसरा है विलोम शब्द, जिसका विपरीत अर्थ में अर्थात उलट अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है, यथा दिन का विपरीत अर्थक है रात, अपना से पराया, लेन का देन इत्यादि। इसके पश्चात है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, यथा कल, आने वाला या बीता हुआ, तथा मशीन का जो कल पुर्जा है उसे भी कल कहा जाता है। इसके पश्चात है एकार्थी शब्द। जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके पश्चात है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यथा जिसके की तिथि निश्चित ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया गया है, अतिथि। शब्द
शब्द वर्गीकरण का अगला आधार है व्याकरणिक कोटि के आधार पर शब्दों के भेद। इस आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिन्हें अव्ययभी कहा जाता है। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के कारण बदलाव, परिवर्तन या विकार आ जाए, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनकी संख्या चार है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा है अविकारी या अव्यय शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के कारण बदलाव, परिवर्तन या विकार नहीं होता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनकी संख्या पांच है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। इनका विस्तृत अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में